नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार अपने चैनल के अंदर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देख ही चुके होंगे कि हम मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, एक भक्ति मार्ग पर चले हुए हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर के बारे में है, जो कि भक्तिमय होने के साथ साथ यहाँ का जो कॉरिडोर बना हुआ है उसकी खूबसूरती के लिए हमने करना पड़ा रात का इंतजार। और रात को भाई इसकी चमक, इसकी रौनक आप यकीन नहीं करोगे भाई, भड़कर पूरा कम्प्लीटली तौर पर निखार आ जाता है। एक एक मूर्ति निखर कर सामने आ रही है और भाई देखने का अलग ही एक जो एक्सपीरियंस होता है ना, महसूस कर पा रहे हैं। तो चलिए उज्जैन कॉरिडोर के बारे में कुछ बातें करते हैं और यहाँ की झांकियाँ, मूर्तियाँ, यहाँ की कलाकृतियाँ आप लोगों को यहाँ के बारे में रूबरू करवाते हैं। तो शुरू करने से पहले जय महाकालेश्वर, उज्जैन महाराज की जय हो। तो जैसे कि मेरे भोले भंडारी की जितने भी भक्त हैं ना भाई, वो जानते होंगे कि उज्जैन महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसका एक अपने ही अनोखा जगह है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस जगह के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं मानी जाती है। और भस्म आरती को लेके यहाँ की आरती, यहीं का एक काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए। तो चलिए यहाँ कुछ बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तरफ चारों तरफ भाई बहुत अच्छा माहौल है नाइट व्यू के साथ, और एक एक ना एक एक मतलब तस्वीर मतलब खुल के आई हुई है, खुल के निखार आया हुआ है। तो दोस्तों, उज्जैन महाकाल लोक कॉरिडोर भव्यता और भक्ति का संगम माना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को भव्य और भव्य बनाने के लिए महाकाल लोक कॉरिडोर नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई थी। यह कॉरिडोर 2022 में खोला गया था और तब से यह श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता जा रहा है। कॉरिडोर लगभग 47 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और इसमें कई खंड शामिल है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र है। आइए इन गलियारों की यात्रा करें और उनकी खासियतों को जानें। नंबर एक, महाकाल प्लाजा। यह प्रवेश द्वार है जिसमें से अभी हम निकल के आए हैं, जो भव्य स्वागत करता है आने वाले भक्तों को। इसमें एक संग्रहालय भी है जहाँ से हमें पता चलता है यहाँ उज्जैन कॉरिडोर के बारे में काफ़ी अच्छी हद तक नॉलेज मिल जाती है। नंबर दो, महाकाल कॉरिडोर। यह मुख्य मार्ग है जो मंदिर की ओर जाता है। इसमें से 25 फुट ऊंची और 500 मीटर लंबी दीवार है, जिस पर शिव पुराण की कहानियों को दर्शाया गया है। दीवार के साथ साथ 108 शिव स्तंभ भी स्थापित है, जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दिखाता है। नंबर तीन, मिडवे जोन। यह एक विश्राम क्षेत्र है जहां आने वाले भक्त आराम कर सकते हैं और साथ में मनोरंजन का आनंद लेते हुए कुछ स्नैक्स, कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं आराम के साथ। यहाँ एक एमपी थिएटर वाटर ले सकते हैं और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। गार्डन और बच्चों के खेल का मैदान भी है। महाकाल थीम पार्क। यह मनोरंजन क्षेत्र भगवान शिव और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें राइड्स, गेम्स और अन्य आकर्षण हैं जो सभी उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। चलिए दोस्तों, चलते चलते यहाँ के बारे में कुछ रहस्य अनुभव के बारे में कहा जाता है। अलौकिक रोशनी की कहानियाँ। कुछ श्रद्धालुओं ने मंदिर के ऊपर
अलौकिक रोशनी देखने का दावा किया है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मौजूद है, लेकिन यह रहस्य श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। स्पेशली भस्म आरती का रहस्य, मंदिर में होने वाली भस्म आरती एक अनूठा अनुष्ठान है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली भस्म में जादुई शक्तियाँ होती है। मंदिर के पंडितों की रहस्यमयी शक्तियाँ, किंवदंतियों के अनुसार मंदिर के पंडितों के पास विशेष शक्तियाँ होती है, जिनका उपयोग वे बीमारियों को ठीक करने और भविष्य बताने के लिए करते हैं। वैसे तो दोस्तों कहानियों की मान्यताएं है, राजा विक्रमादित्य से जुड़ी कहानियां राजा विक्रमादित्य को मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का श्रेय दिया जाता है। उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित है जो मंदिर के इतिहास और रहस्य को और भी रोचक बनाती है। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर में शिव और पार्वती की प्रेम कहानी से जुड़ी कई कहानी सुनाई जाती है। श्रद्धालुओं की आस्था की कहानी, सदियों से लाखों श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर मंदिर में अपनी आस्था प्रकट की है। उनकी कहानियाँ मंदिर के महत्व को और भी रेखांकित करती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये कहानियाँ और रहस्य ज़्यादातर लोक कथाओं पर आधारित है, हालांकि वे इस प्राचीन मंदिर के इर्द गिर्द एक आकर्षक माहौल बनाते हैं। आप उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जाकर स्वयं इन कहानियाँ और रहस्यों को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा और सम्मान के साथ दर्शन करना। अगर आप सच्चे दिल से सच्चे भाव के साथ दर्शन करने महाकालेश्वर उज्जैन महाराज के जाते हो तो आपको सच में पॉजिटिव वाइब्स का महसूस होना कोई भी नहीं रोक सकता। और अभी हम ये कॉरिडोर से फ्री होने के बाद आज 12 बजे के बाद हम लाइन में लग जाएंगे और कल सुबह 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक 2 घंटे की भस्म आरती के अंदर हम शामिल हो जाएंगे। और सच बताऊं दोस्तों, ये भस्म आरती का जो अनुभव होता है ना, वो सच में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ की मान्यताएं उससे काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है, क्योंकि उज्जैन में आप आए हो और आपने भस्म आरती का आनंद नहीं लिया तो फिर क्या लिया। तो दोस्तों, सुंदरता उज्जैन की इतनी सारी भरी पड़ी है कॉरिडोर के अंदर कि इसका कंप्लीट तौर पे मैं आपको बताना मेरी ज़ुबान से शायद कम पड़ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर हम एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय महाकालेश्वर लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ही एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रोमांचक अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तो तब तक के लिए जय महाकालेश्वर।